गरीब बेटी का ससुराल। डिंपल नाम की एक लड़की अपनी माँ सुमित्रा और पिता राम गोपाल के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। डिंपल एक नौजवान लड़की थी। वो अपने नाम की तरह सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। डिंपल अपने पापा की लाडली बेटी थी और अपनी माँ की आंखों का तारा थी। डिंपल को उसके माता पिता ने बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और अब डिंपल की माँ अपनी बेटी के ससुराल जाने से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को क्या क्या समझा कर भेजे। डिंपल के पिता राम गोपाल ने डिंपल की शादी तय कर दी थी और अगले महीने डिंपल की शादी थी। डिंपल की माँ जानती थी कि आज वो एक बेटी है, कल उसे बहू बनकर दूसरे का घर संभालना है, इसलिए वो अपनी बेटी को घर में ही तौर तरीके समझाने लगती है और उसे ससुराल जाने के लिए तैयार करती है। डिंपल की माँ डिंपल से कहती है, बेटी मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ससुराल में जाकर जरा भी परेशान हो, इसलिए जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, जो जो मैंने यहाँ सीखा है वो सब मैं तुम्हें यहाँ एक महीने में सिखाऊंगी, ताकि तुम्हें ससुराल में कोई परेशानी ना हो, ठीक है? लेकिन माँ मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत है, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं सब सीख लूंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना जो भी मैं तुमसे अब करवाऊंगी वो तुम्हें करना होगा, समझ गई तुम? डिंपल जानती थी कि उसकी माँ डिंपल की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए अपनी माँ को और परेशान ना करने के लिए वो अपनी माँ की सारी बात मानने लगती है। डिंपल जब अपने कमरे में सोने जा रही होती है तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तुम्हें कल सुबह 4 बजे उठना है और नहा धोकर पूजा करनी है और घर में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है। क्या कहा मम्मी, 4 बजे? 4 बजे तो पक्षी भी सोकर नहीं उठते हैं, और इतने सुबह सुबह नाश्ता कौन करेगा? मैंने तुमसे कहा ना सुबह 4 बजे उठना है और नहा धोकर रसोई में चाय बनानी है, समझ गई तुम? क्या यार मम्मी, ये तुम क्या कर रही हो, मैं नहीं कर सकती ये सब। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, समझ गई तुम? ठीक है मम्मी, आपने जैसा कहा है मैं समझ गई हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी और नहा धोकर नाश्ता बना दूंगी। हाँ ससुराल में तुम्हें 4 बजे उठना होगा और सबके लिए नाश्ता बनाना होगा, तो तुम्हें अभी से ये आदत डालनी होगी, नहीं तो वहाँ जाकर अपने माँ बाप के नाक कटवाओगी। ओह, एक बेटी का ससुराल जाना ना हो गया, ऐसा लग रहा है नौकर बनाकर भेज रही हो आप मुझे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है बेटी। अपनी माँ की सारी बातें सुनने के बाद डिंपल अपने कमरे में जाती है और फोन चलाने में ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चुपचाप सो जाती है, क्योंकि उसे सुबह 4 बजे उठना होता है। डिंपल के पिता राम गोपाल डिंपल के लिए सुबह सुबह पानी गर्म कर देते हैं और डिंपल को सुबह 4 बजे उठा देते हैं। बेटी मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी कर दिया है और बाथरूम में नहाने का साबुन तौलिया भी रख दिया है, तुम जाकर नहा लो, अगर तुम्हारी माँ उठ गई तो फिर सुनाने लग जाएगी। डिंपल को नहाते नहाते समय हो जाता है और 5 बज जाते हैं। उसके बाद वो घर में पूजा करने लगती है। घंटियों की आवाज सुनकर डिंपल की माँ उठ जाती है। अरे वाह बेटी, तुम तो बिल्कुल समय पर उठ गई हो, आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम ससुराल में मेरी नाक नहीं कटवाओगी जाकर। आज तो तुमने सुबह सुबह ही घर में झाड़ू पोछा कर लिया और सारे काम निपटा लिए। हाँ मम्मी, पर आप नहीं समझोगी कि आज मैं कैसे सुबह 4 बजे उठी हूँ, वो तो अच्छा है कि पापा ने मेरे लिए पानी गर्म कर दिया था, बाहर कितनी ठंड हो रही है। ओह तुम्हारे पिताजी भी ना तुम्हें बिगाड़ देंगे। बेटा तुम कल को ससुराल जाओगी, पता नहीं वहाँ नहाने को गर्म पानी मिले या ना मिले, तुम गर्म पानी से नहाने की आदत बिल्कुल मत डालो। सिलेंडर पता है कितना महंगा हो गया है, पूरे 1000 रुपए का आता है, मुझे देख लो इतना बुढ़ापा आ गया है फिर भी ताजा पानी से नहाती हूँ। चल कोई बात नहीं, कल से ठंडे पानी से नहाने लग जाना, चलो जाकर अब सुबह सुबह सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। डिंपल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे किस जन्म का बदला ले रही है, पर वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और स्वेटर पहन लेती है और जूते जुराब पहनकर रसोई घर में चाय बनाने चली जाती है। रसोई में खड़े होकर डिंपल चाय बना रही होती है कि तभी वहाँ डिंपल की माँ आ जाती है और उसे जूते में देखकर कहने लगती है, हे राम राम राम, इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हें ये नहीं पता कि किचन में जूते चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, कब समझ आएगा तुम्हें ये सब।
माँ अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, बाहर देखो कितनी ठंड है। अभी फर्श पर पोछा लगाया है, जमीन बहुत ठंडी है, मेरे तो पैरों की उंगलियां सूज गई है, इसलिए मैंने जूते पहन लिए, सर्दी लगने से मेरे हाथ पैर सूज ना जाए इसलिए। बेटी जो भी हो, सर्दी हो या गर्मी, कभी रसोई में जूते नहीं पहनते हैं, समझ गई तुम? चप्पल पहनकर रसोई में आने से घर में बरकत नहीं होती है। मैं मानती हूँ कि सर्दी है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने ससुराल में जाकर तुम क्या करोगी? वहाँ तुम्हें ये सब नहीं करने देगा कोई, समझ गई? डिंपल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ एक दिन उस पर इतना ज्यादा जुल्म करेंगी, जिसने आज तक उसे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ देर के लिए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद डिंपल सबके लिए खाना बना देती है। शुरू शुरू में तो डिंपल को खाना बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, पर वो बिना अपनी माँ की मदद से खाना बना लेती है। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम खुद करती है। इसी तरह समय बीत रहा था और एक दिन सुबह डिंपल चाय बनाने के लिए रसोई घर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी माँ कुछ कपड़े लेकर आती है और डिंपल से कहने लगती है, डिंपल कहाँ जा रही हो तुम? माँ सभी के लिए नाश्ता और चाय बनाने जा रही हूँ, आप इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? तुम चाय रहने दो, चाय मैं बना लूंगी, तुम ये सारे कपड़े जल्दी से धोकर सुखा दो, कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर मशीन लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मशीन नहीं लगानी है, मशीन लगानी होती तो मैं खुद ही कपड़े धो देती, ये सारे कपड़े हाथ से धोने हैं। अगर तुम्हें ससुराल में कपड़े धोने होंगे तो तुम कैसे धोगी? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अभी से ही आदत हो जाए। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आज तक तुम्हें काम करना नहीं सिखाया, लेकिन इस एक महीने में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। क्या कहा माँ, इतने ठंड में, वो भी ठंडे पानी से हाथ से कपड़े धोने हैं? तुम्हें कुछ ज्यादा ठंड नहीं लगती है? यहाँ पर तो तुम्हारी माँ है जिसे तुम ये सब बोलकर काम के लिए मना कर देती हो, पर वहाँ सास को क्या कहोगी? वो तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगी, समझ आई? बेचारी डिंपल अपनी माँ के सभी आदेश को बिना सोचे समझे माने जा रही थी। बेचारी सारे कपड़े ले जाकर बाथरूम में ठंडा पानी से सारे कपड़े धोती है और उन्हें छत पर सुखा देती है। इतनी ठंड में काम करने की वजह से डिंपल के हाथ पैर तो मोटे मोटे सूज जाते हैं। ये सारे काम करते करते एक महीना बीत जाता है और डिंपल की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन डिंपल की माँ डिंपल के सास से कहने लगती है, समधन जी, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, आप भी इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखना, ये कभी आपको उल्टा जवाब नहीं देगी, जैसा आप बोलोगी बिल्कुल वैसा ही करेगी, मैंने अपनी बेटी को बहुत संस्कारी बनाया है। अरे डिंपल की माँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी भी खुद की एक बेटी है, जैसे मैंने अपनी बेटी को रखा है वैसे ही मैं इसे रखूंगी। इसके बाद डिंपल की विदाई हो जाती है और डिंपल अपने ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद डिंपल की सास का बर्ताव बिल्कुल उल्टा था। डिंपल की सास हमेशा डिंपल को आराम करने के लिए कहती है, अरे डिंपल बेटा, तुम इतनी सुबह जल्दी क्यों उठ गई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, शादी में कितने काम होते हैं, तुम थक भी तो गई होगी, तुम एक हफ्ते तक आराम करो, तभी ये थकावट दूर होगी। और हाँ, काम की चिंता बिल्कुल मत करो, जब तुम्हारी सारी थकावट उतर जाए तब तो मेरा हाथ बटा दिया करना। अपनी सास से ये सब सुनकर डिंपल को बहुत अच्छा लगता है और डिंपल अपनी नींद पूरी करके अपनी सास के पास किचन में काम में मदद करने के लिए पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी सास ने तो सारा खाना बना लिया है और वो नाश्ता लगाकर डिंपल को दे देती है। अपनी सास का इतना प्रेम देखकर डिंपल अपनी सास को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह उसकी माँ ने उसे ससुराल में जाने के लिए तैयार किया था। ये सब सुनकर उसकी सास कहती है, डिंपल, मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें ये सब सिखाया है, लेकिन हाँ, हर सास एक जैसी नहीं होती है, मेरी भी बेटी है, कल को उसे भी ससुराल जाना है, अगर मैं अपनी बहू के साथ ऐसे व्यवहार करूँगी तो मेरी बेटी के साथ भी तो ऐसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अपने सास के मुंह से ये सब सुनकर डिंपल को बहुत अच्छा लगता है। डिंपल अपनी माँ को फोन करके ससुराल की सारी चीज बताती है। तब डिंपल की माँ को समझ आता है कि हर सास बुरी नहीं होती है, उसके साथ जब जैसा हुआ जरूरी नहीं कि आगे भी वैसा ही हो। बहुत समय पहले की बात है, सहारनपुर नामक गांव में रिया नाम की लड़की अपनी माँ विमला के साथ रहती थी।
रिया जब 2 साल की थी तभी उसके पिताजी का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसके बाद रिया की माँ रिया को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा करती है। रिया बचपन से ही बहुत सुंदर थी और रिया को जो भी देखता उसकी तारीफ करे बिना नहीं जाता। रिया की माँ गरीब होने की वजह से दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। गरीबी होने की वजह से रिया स्कूल ना जा सकी, इसी वजह से वो अपनी माँ के साथ उसके कामों में हाथ बटाया करती और उसकी माँ की ज्यादा उम्र होने की वजह से उसकी माँ काम करने के बाद थक जाया करती थी, जिस वजह से रिया अपनी माँ का साथ देती थी और पूरा काम करवाने में पूरी सहायता करती थी। रिया की माँ जहाँ काम करती थी वो बहुत अमीर घराने के सेठ थे जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दूसरी तरफ सेठानी भी दिल की बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी बेटी शनाया बहुत बिगड़ैल लड़की थी और वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। रिया जब अपनी माँ के साथ घर में काम करवाया करती तो शनाया उसके पास आकर हरकतें किया करती जिससे रिया चिढ़ा करती। रिया को चिढ़ता हुआ देखकर शनाया हमेशा ही उल्टी हरकत किया करती और उसे परेशान किया करती। रोजाना की तरह रिया और रिया की माँ घर में काम करने आते हैं और काम निपटाकर अपने घर चले जाया करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठानी रिया की माँ से कहती है, देखो विमला, हमारे घर में तुम काम करती हो और तुम्हारी बेटी भी, ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी भी उम्र हो गई है और तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, ये सब काम उसे शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम अपनी बेटी का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा दो जिसके बाद रिया भी पढ़ सकेगी। अरे सेठानी, कैसी बातें करती हो, मैं कहाँ अकेले ये सारा काम संभाल पाऊंगी। मेरी बेटी ही तो है जो मेरा काम में हाथ बटवाती है। अगर ये स्कूल चली जाएगी तो मेरा काम कौन करवाएगा और फिर ये 4 पैसे जो मैं कमाती हूँ वो कहाँ से आएंगे। सेठानी जी, आपने मुझसे इतना ही पूछ लिया वही काफी है मेरे लिए, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ का सहारा मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। आज तक मेरी माँ ने मुझे अकेली ही पाला है और अब जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हुए हैं तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं। स्कूल वगैरह मेरे बस की बातें नहीं है। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी घर का सेठ वहाँ पर आ जाता है और कहता है, रिया तुम्हें सच में स्कूल में पढ़ना चाहिए, और रही बात तुम्हारी बूढ़ी माँ की तो तुम्हारी माँ को और तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हमारे गेस्ट रूम में बहुत जगह है, तुम आराम से वहाँ पर रह सकती हो और दोनों ही घर में काम संभालो और यही तुम पढ़ो लिखो भी, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। सेठ की बातें सुनकर रिया की माँ बहुत खुश होती है और तुरंत ही कहती है, सेठ जी, मेरी बच्ची और मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो हम आपके घर में अपना घर समझकर काम करेंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके सारे काम खुद किया करूँगी। नहीं विमला, तुम्हें सारे काम करने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे यहाँ पर बहुत सालों से काम किया है, अब तुम हमारे घर के बगीचे को संभालो। ये सुनकर विमला बहुत खुश होती है और तुरंत ही अपनी बच्ची को खुशी से गले लगा लेती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो सेठ विमला के साथ उसकी बच्ची रिया को ले जाता है और उसका एडमिशन कराता है उसे स्कूल में जहाँ शनाया पढ़ रही होती है। सेठ स्कूल में पहुंचकर सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर देता है और रिया का एडमिशन करवा देता है। फिर उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। रिया बहुत खुश होती है इतना बड़ा स्कूल देखकर जो उसने अपने जिंदगी में पहली बार देखा था। रिया अपनी पढ़ाई शुरू से शुरू करती है जिसकी वजह से वो नर्सरी में एडमिशन लेती है। रिया को शुरुआत में दिक्कत आती है लेकिन धीरे धीरे रिया अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेती है। क्लास में सभी बच्चे बहुत छोटे होते हैं लेकिन रिया सबसे बड़ी होती है। ये सब देखकर बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वही लंच में शनाया उससे मिलने आती है और कहती है, गवार भी स्कूल में पढ़ने आई है, शर्म भी नहीं आई, मेरे बाप के पैसों पर मौज मार रही है। तुझे पता भी है ये कितना महंगा स्कूल है और तूने मेरे पिताजी से इतने सारे खर्चे करवा दिए, नई यूनिफॉर्म, इतना बड़ा स्कूल जो तूने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तू चाहती तो सरकारी स्कूल में भी जा सकती थी लेकिन मुझे पता है ये सब तूने जानबूझ कर किया है। देखो शनाया, मैं तुमसे कुछ भी फालतू नहीं बोलना चाहती और रही बात यहाँ पर एडमिशन लेने की, तो सेठ सेठानी दोनों चाहते थे कि मैं स्कूल में पढ़ूं और उन्होंने मेरा एडमिशन कराया है, तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो।
मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, लेकिन तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू कभी भी मेरे साथ गाड़ी में बैठकर घर नहीं जाएगी, तो पैदल ही घर आएगी। और हाँ, जब मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हो तो कभी भी तू मुझे कुछ भी लेने या मांगने में तैयो, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि एक नौकरानी की लड़की मेरे स्कूल में पढ़ रही है। शनाया, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान ने तुम्हें दिमाग देकर नहीं भेजा। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। रिया दिल की बहुत अच्छी होती है और शनाया दिल की बहुत खराब लड़की होती है, जिस वजह से शनाया उसे बुरा भला कह देती है और अपना एहसान का धोस जमा देती है। दोनों स्कूल में पढ़ती है और फिर स्कूल की छुट्टी होती ही दोनों घर वापस आते हैं। शनाया हमेशा की तरह बहुत जिद्दी होती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया स्कूल से घर तक पैदल आती है और घर पहुंचती ही अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है। देखो रिया, तुम्हें मैं एक बात सही से समझा दूं। सेठ और सेठानी दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी बेटी उतनी ही बेकार, इसलिए तुम्हें उससे मुँह लगने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो उससे 10 कदम की दूरी रखकर चला करो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत ना सुनूं। वो कुछ भी बोलती है तुम इग्नोर कर दो, लेकिन सेठ सेठानी ने तुम्हें इतना अच्छा और सुनहरा मौका दिया है, वो तुम कभी मत गवाना। हमेशा की तरह दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। जब घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो दोनों गाड़ी में निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में शनाया रिया को उतार देती है और रिया स्कूल तक पैदल जाती है। ऐसी ही जब छुट्टी होती है तो शनाया उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं देती और ड्राइवर से कहकर गाड़ी में अकेले बैठकर आ जाती है। ऐसी ही कई दिनों तक चलता रहता है। अपनी बेटी को रोजाना सुबह पैदल जाते हुए और दोपहर में पैदल आते हुए देखकर विमला को बहुत तरस आता है, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती, इसलिए दोनों माँ बेटियाँ चुपचाप एडजस्ट करती रहती है। और अब वो दिन आ ही जाता है जब शनाया का बर्थडे होता है। शनाया के बर्थडे की खुशी में सेठ सेठानी पूरे घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाते हैं। पूरा घर रोशनी से चमक रहा होता है। इतना सुंदर घर डेकोरेशन के साथ देखकर रिया बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ इतना सुंदर बर्थडे मेरा भी बनवाना। बेटा, हम गरीबों के नसीब में इतना बड़ा बर्थडे मनाना नहीं लिखा है। लेकिन माँ, सेठ सेठाने मेरे बर्थडे के लिए भी तो कुछ करेंगे ना। बेटा, ये फालतू की जिद मत लगा। सेठ सेठानी ने तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतना ही काफी है, वरना तू पढ़ाई लिखाई कैसे करती। विमला अपनी बेटी को समझा देती है, जैसे तैसे उसकी बेटी मान जाती है। शनाया का बर्थडे देखकर वो बहुत खुश होती है। शनाया के बर्थडे में बहुत बड़ा केक आता है और शनाया के सभी दोस्त उसके बर्थडे में आते हैं, लेकिन घर में जब रिया को देखती हैं तो उसके दोस्त कहते हैं, अरे शनाया, ये तो वही लड़की है ना जो हमारे पूरे स्कूल में फेमस है, जो इतनी बड़ी होकर नर्सरी क्लास में पढ़ती है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। बेटा, ये लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और ये हमारे बहुत पुराने जान पहचान के हैं, और ये बेटी हमारी बेटी की तरह है, इसलिए ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ रही है। इसने पहले पढ़ाई नहीं करी और अभी इसने शुरुआत करी है, इसलिए ये नर्सरी में पढ़ती है। अरे वाह आंटी जी, आपने तो इन गरीबों की किस्मत चमका दी। इनकी किस्मत में कहाँ था इतने बड़े स्कूल में एडमिशन लेना। अरे यार, मेरे बर्थडे के दिन भी ये फालतू की बातें होंगी क्या। पहले ही मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद और आज मेरे बर्थडे के दिन भी उसी की बातें हो रही है। पास में खड़ी रिया और रिया की माँ विमला दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और रिया जोर जोर से रोती है और कहती है, हमारी इज्जत का तो फलूदा बना के रख देते हैं ये अमीर लोग। अमीर लोगों के पास दिल ही नहीं होते। माँ, अगर ऐसी हमारी बेइज्जती का फलूदा बनकर रह जाएगा तो मुझे उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाना। बेटा, कितनी बार कहा है ना तुझे कि ऐसे मत बोला कर। तुझे बहुत मुश्किल से इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला है, चुपचाप पढ़ती रहे। शनाया के बर्थडे में 5 मंजिल का केक आता है और वो अपने दोस्तों के साथ केक कट करती है। सभी दोस्त बड़े खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। रिया भी सबके साथ एंजॉय करती है। सेठ सेठानी रिया के साथ डांस करते हैं। रिया बहुत खुश होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शनाया अपने माता पिता को रिया के साथ डांस करता हुआ देखती है तो उसको जलन होती है और वो तुरंत ही चिल्ला कर कहती है, तुम दोनों माँ बेटियों ने सब कुछ तो ले ही लिया है, अब मेरे माता पिता भी मुझसे छीन लो, यही तो रह गया है। एक तो तुम जैसे गरीबों को उंगली पकड़ाओ तो तुम हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो, मेरी खुशियों में कलंक लगा कर रख दिया है। शनाया, ये किस ढंग से बात कर रही हो, अभी माफी मांगो।
शनाया अपने पिता की डांट सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शनाया के दोस्त बर्थडे पार्टी खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। शनाया के घर में कोहराम मच जाता है। सेठ सेठानी विमला से माफी मांगते हैं और विमला अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बेटी रोते रोते सो जाती है। तभी विमला अपनी बेटी रिया की तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, बच्चे के ऊपर बाप का साया कितना जरूरी होता है। बाप ना हो तो लोग इज्जत तो करते ही नहीं, साथ में बची कुची इज्जत का भी फलूदा बना देते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची के इतने सारे सपने हैं, मैं कैसे पूरा करूंगी। काश मेरे पास जादुई छड़ी होती तो मैं अपनी बच्ची को हर वो चीज देती जो आज शनाया के पास है। विमला ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी पास में टंगी हुई फोटो में से उसके पति की उसमें से आवाज आती है, अरे मेरी सुंदर और अच्छी धर्म पत्नी, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? जब रिया का पिता रिया के लिए हमेशा हाजिर है, मैं भगवान से थोड़ा टाइम मांग कर तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मिली है। ये लो, ये जादुई छड़ी तुम रख लो। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया कि मैं आज अपने पति से बात कर पा रही हूँ, लेकिन इस जादुई छड़ी का मैं क्या करूँगी? अरे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, ये सच में जादुई छड़ी है। इस छड़ी को तुम घुमाकर जो भी कहोगी ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा, और अपनी बच्ची के लिए तुम जैसा केक चाहो वैसे मांग सकती हो, और तुम्हारे मन में जो भी हो तुम इससे कह सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा को तुरंत पूरी करेगा। अच्छा सुनो, अब मैं चलता हूँ, अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना। ये सब बातें होने के बाद विमला उस छड़ी को संभाल कर रख देती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी बच्ची के साथ बैठकर अपनी बच्ची को सब बताती है। सारी बातें सुनकर रिया बहुत खुश होती है। तभी विमला जादुई छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरी बच्ची के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस दे दो और साथ ही मेरे लिए एक दो साड़ियाँ। जैसी ही विमला जादुई छड़ी से ये सब कहती है, तभी जादुई छड़ी से कुछ सुंदर ड्रेस निकलती है और दो साड़ियाँ। ये सब देखकर विमला और रिया दोनों ही बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। और रिया अपनी ड्रेस पहनकर देखती है और रिया की माँ अपनी साड़ी। अपने अपने कपड़े पहनकर दोनों बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं, जिसके बाद रिया की माँ को विश्वास हो जाता है कि अब वो अपनी बच्ची को कहीं और भी अच्छे से रख सकती है और साथ ही बड़े स्कूल में भी पढ़ा सकती है। रिया की माँ अब सेठ और सेठानी के यहाँ से काम छोड़ने के लिए कह देती हैं और सेठ सेठानी उसे हंसी खुशी भेज देते हैं, क्योंकि सेठ सेठानी की बेटी शनाया उन्हें चैन से रहने नहीं दे रही थी और ये बात हर कोई जानता था कि रिया उस घर में खुश नहीं थी। अगले दिन जब रिया की माँ रिया को कहीं दूसरी जगह ले जाती है तो वहाँ अच्छी जगह देख कर अपनी छड़ी निकालती है और छड़ी घुमा कर कहती है, हे जादुई छड़ी, अब हमारे पास कोई घर नहीं, हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना दो जिसमें जरूरत की सारी चीज रखी हो, और साथ ही साथ हम बहुत भूखे हैं, अभी हमें खाने के लिए भी कुछ व्यंजन दे दो। जादुई छड़ी ये बातें सुनते ही तुरंत एक बहुत सुंदर घर बना देती है जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी होती है, साथ ही उनके खाने के लिए खाना भी होता है, पहनने के लिए कपड़े भी होते हैं। इतना सुंदर घर देखने के बाद रिया और रिया की माँ तुरंत ही उस घर में चले जाते हैं और पूरा घर देखकर बहुत खुश होते हैं। घर में सारी चीजें होती है, रिया और रिया की माँ तुरंत ही खाना खाने लगते हैं। उसके बाद विमला स्कूल जाती है और अपनी बच्ची की फीस जादुई छड़ी की मदद से भर देती है और रिया उसी स्कूल में पढ़ती रहती है। स्कूल में पढ़ रही शनाया ये सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है और आज रिया के घर में कोई कमी नहीं होती। रिया के पास अपने पैसे, सुंदर सुंदर ड्रेस, साड़ी, खाने के लिए हर चीज सब कुछ होता है। अब रिया और रिया की माँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। रिया अपनी पढ़ाई उस स्कूल में पूरी करती है जिस स्कूल के उसने ख्वाब देखे होते हैं। कुछ दिनों बाद रिया का बर्थडे आता है, इसलिए रिया अपने दोस्तों को अपने घर बुलाती है और बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करती है। रिया अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हो जाती है। अब रिया को अपनी जिंदगी में सारी खुशियाँ मिल जाती है और किसी बात की कोई कमी नहीं होती।